हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 आपका ये एनसीईआरटी का है। और इसमें आप लोगों को कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है, कंप्यूटर के बारे में जो आपकी बहुत ही बुनियादी बातें हैं, उनको आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वाले कंप्यूटर प्लेलिस्ट में आप लोगों को कंप्यूटर के कुछ 7-8-10 चैप्टर हैं, वो आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दूं। क्लास रोज हो पाई तो रोज, अदरवाइज जब भी मुझे टाइम लगा तब भी आप लोगों के ये 10-12 चैप्टर मैं लगातार निरंतर करवा दूंगा। बेसिक तैयारी के रूप में आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी साइड से राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम, नमस्कार और आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में आप प्रणाम स्वीकार करें उस भाषा में प्रणाम स्वीकार करिएगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा बुनियादी सवाल है। आपने इसको पढ़ा होगा 1,00,000 करोड़ बार, ठीक है ना, इतनी बार पढ़ लिया। अच्छा सर जी, सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, आपने इसे इतनी ही बार पढ़ लिया है। तो ये बहुत ईजी सवाल है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया सर? क्वेश्चन ये दिया था, वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कंप्यूटर शब्द जो है ना ये ड्राइव किया गया है, कहां से ड्राइव किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपके आगे शब्द होता COMPUTE कंप्यूट, ठीक है ना, कंप्यूट शब्द है, इसका मतलब होता है डियर गणना करना होता है, ठीक है ना, कंप्यूट शब्द का। और ये कंप्यूट शब्द निकल के आया है आपका ग्रीक लेटर से, लेकिन उन्होंने कहा है कि शब्द है कंप्यूटर, ठीक है ना। ये कंप्यूटर कहां से निकल के आया? तो ये कंप्यूटर निकल के आया जी लैटिन भाषा से निकल के आया है। तो इस करके आपका इसका चौथा ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इजी सवाल था, समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए सर, दूसरा सवाल क्या कहता है कि इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, इनपुट और आउटपुट जो है ना, इन दोनों को अगर आप लोग ग्रुप कर देते हो, कहने का मतलब है कि एक साइड तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, इधर बीच में आपका जाहिर सी बात है सीपीयू तो लगेगा ही लगेगा, और इधर आपका तभी तो जाके आउटपुट आएगा। सर इन्होंने तो सीपीयू का नहीं लिखा है, भाई इन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना तो हमें भी दिमाग है कि आउटपुट आएगा ही तो तब ना, जब सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग डिवाइस अगर लगा रखा है तो जाहिर सी बात है ये पूरे को अगर आप मिला देते हो तो आप इसको क्या कहते हो, इसको आप कंप्यूटर सिस्टम के रूप में नवाजा करते हो। इसको भी सही आंसर देने वाले हो आप लोग, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही रहेगा। Which of the following is the correct order of the four major function of a computer? कंप्यूटर के जो चार major function है ना, इनमें से उनका बिल्कुल correct order क्या है, ये बताइएगा आप लोग, जो बिल्कुल सही order आप लोगों को दिख रहा है। देखो भी, सबसे पहले आप कंप्यूटर को क्या देते हो, इनपुट देते हो, ठीक है ना। पहले इनपुट दोगे, सबसे पहले इनपुट देने के बाद में आप क्या करोगे, उस डेटा का प्रोसेस करोगे, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इनपुट दिया, फिर प्रोसेस किया, फिर आपको आउटपुट मिला, और फाइनली जाके आप उसको क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ना वो हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है या बिल्कुल सही है। मतलब सर जी, मतलब मैंने इनपुट में दिया जाता है, रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है ना। इसको आप लोग रो डेटा कह सकते और प्लस में आप लोग इसको इंस्ट्रक्शन कह सकते हो। रो डेटा का मतलब क्या हुआ, रो डेटा का मतलब है आपका 4 जमा में 5, आपने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है ना। ये प्लस क्या है, ये प्लस इंस्ट्रक्शन है, 4 और 5 क्या है, डेटा है। इसको प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस करने के लिए पहले एनकोड करना पड़ेगा। एनकोड करने का मतलब है कि इसको 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो इस भाषा को समझता नहीं है, कंप्यूटर तो समझता ही बाइनरी लैंग्वेज को है। प्रोसेस करने का मतलब 4 और 5 का जोड़ा जा रहा है, जोड़ दिया गया, 5 और 4 9 हो गया। अब ये 9 हुआ बाइनरी फॉर्म में, मतलब 9 का जैसे बाइनरी नंबर होता है ना ये वाला, तो 9 हुआ इस फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा दोबारा इसी फॉर्म में, वो आपको आउटपुट मिलेगी। अब आप इसको फाइनली प्रोसेस हुआ डेटा को, जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसी को ही आप लोग याद रखिएगा इन्फो कहा करते हैं, और उसी को आप फिर क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कहता है, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। आप डेटा को कलेक्ट करिएगा, सारा डेटा अपने पास लेके आइएगा, उसके बाद में कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। सर ने अभी आपको बताया है कि किसी डेटा को इकट्ठा करके जब आप इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब ही आपका आउटपुट होता है, याद रखिएगा। तो बहुत सारा डेटा आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसे आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसी चीज को आप लोग प्रोसेसिंग कहा करते हैं कंप्यूटर में, इसी तो बात को प्रोसेसिंग कहोगे, कोई डेटा को प्रोसेस कर लेना फाइनली आपका।
उसके बाद में अगला पांचवा सवाल पूछा कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में इनपुट तो होता है सर, बिल्कुल होता है, आउटपुट होता है, बिल्कुल होता है सर, प्रोसेसिंग भी होता है, थिंकिंग सोचने का कोई काम नहीं होता। भाई देखो, कंप्यूटर की सबसे बड़ी बुरी बात तो यही है, या कंप्यूटर का डिसएडवांटेज, आप एडवांटेज पढ़ते हो तो कई सारी सीरीज पढ़ लेते हो एडवांटेजेस की, तो लेकिन डिसएडवांटेज एक पढ़ा करते हो और वो बहुत मेजर डिसएडवांटेज है, वो ये है कंप्यूटर हैविंग नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास में कोई आईक्यू नहीं है। हालांकि आप इस वीडियो को देख रहे हो स्टार आईक्यू चैनल पे, स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया अभी तक, कर लीजिएगा, जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा, इतना तो काम करिएगा। चलिए, तो कंप्यूटर के पास में कोई आईक्यू नहीं है, क्यों नहीं है मतलब सर दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस क्यूसेंट है ही नहीं कंप्यूटर के पास में सर। इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिएगा कि मेरा ये लैपटॉप है, मेरा ये मोबाइल फोन है, या मेरे पास ये कंप्यूटर है, या जितने भी चीजें हैं, ये मान लेते हैं ये मेरा मोबाइल है, आप ये चुरा के ले गए मेरे से, ठीक है ना, इस मोबाइल को आप चुरा के ले गए, ये मोबाइल तो मेरा है, ठीक है सर जी, लेकिन इसे आप जब घर जाके चलाने लगे तो ये ऐसे थोड़ी ना कि रूस के खड़ा हो जाएगा, ना 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 ना, मैं तो सुनील सर के पास ही जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बच्चों मैं तो नहीं जाऊं, सुनील सर के पास ही जाऊं, सुनील सर के पास ही चलूंगा, और किसी के पास चलूंगा ही नहीं, ना 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, जितना गजब मेरे पास चल रहा था उतना ही गजब तुम्हारे पास चलेगा, बढ़िया वाला चलेगा, तो यह कंप्यूटर के पास में सोचने समझने वाली ताकत नहीं है। ऐसा कभी भविष्य में आने की बात है सर आपकी? अरे भाई, आने की तो बात है आपकी, ये तो बात सही है, लेकिन क्या है कि आने की बात का मतलब ये है कि वो AI आएगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग बोलने वाले हो, जिसको आप लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से पुकारने वाले हो, एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, जॉन मकार्थी ने इसकी खोज की, तो ये तो आने की संभावना है इन फ्यूचर, बहुत ही जल्द कहिएगा, कुछ हद तक तो चली रही है। कुछ छठवां सवाल भी ऐसा ही है कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, बेक केक, ना भी केक कुक बनाने का काम कंप्यूटर अभी तक नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अभी तक तो कंप्यूटर नहीं कर रहा है, मतलब साधारण तरीके से तो देखो नहीं कर रहा है। हाँ, रोबोट्स आ चुके हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, रोबोटिक्स में ये पॉसिबल है, रोबोट जैसे वेटर भी बने हुए हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है, लेकिन अभी तक अगर आपसे पूछा जाए चार जनरेशन में मैक्सिमम जो जनरेशन यूज की जा रही है वो तो आपकी चौथी जनरेशन ही यूज की जा रही है, ये बात भी आप लोगों को समझ लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, ये रवीना यादव ब्लॉक होना है क्या? अगर होना है तो बता देना, वरना आज के बाद ही कभी बेवकूफी ना करना मेरी क्लास में कि पढ़ते पढ़ते सर नेक्स्ट क्यों मैं यहां पर मुजरा करने लग गया इसी सवाल पे, समझाने लगा ना दो मिनट के लिए रुक के, ताकि समझने के लिए, जैसे जल्दबाजी है ना, तो एक काम करो बेटा, इस चैनल को छोड़ दो, किसी और पे पढ़ लो, अगर जल्दबाजी करनी है तो, रांदी काटनी है तो, क्वेश्चन बड़बड़ बड़बड़ करके पढ़ना है तो, कहाँ से चल के आते हो भैया तुम लोग, कौन सी दुनिया से निकल के आते हो जो ऐसे टुका टुकी करने वाले होते हो। देखो बेटा, मुझे तो पसंद है नहीं, मैं तो मेरे तरीके से पढ़ाया करता हूँ, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो ना एक काम करो, आप आराम से रजाई तान के सो जाओ, ठंड बहुत है ना, क्या यार तुम भी। चलिए, तो अगला सवाल आपका सात नंबर सवाल है हमारा, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल ऑफ। देखो, पार्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, ये सारे के सारे जो ऑर्डर्ड की बात करते हो आप लोग, ये किस चीज का एक एग्जांपल के रूप में दिया करते हो आप लोग, तो ये आप लोग प्रोसेसिंग का एग्जांपल दिया करते हो, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कंट्रोल का पार्ट नहीं है ये, आउटपुट का पार्ट नहीं है, फीडबैक का पार्ट नहीं है, इनपुट का भी नहीं है, ये प्रोसेसिंग का होता है, आपका पार्ट नंबर या डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद में नंबर ऑफ पार्ट्स है, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों के अंदर डेटा जाता है। सर, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि मेरे पास में कुछ डेटा है, उस डेटा को मैं क्या करूंगा कि प्रोसेस करूंगा, तो पहले का काम क्या होता है, पहले आपके पास में वो डेटा होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज का होता है, उसके बाद में आपको हाई लेवल से बदलना होता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर लो लेवल से आपको क्या करना पड़ता है उसे प्रोसेस, फिर प्रोसेस से दोबारा उसको क्या करोगे आप हाई लेवल में, फिर जाके आपको आउटपुट मिलेगी, तो दैट्स व्हाई सवाल का सही आंसर रहेगा आपका ये वाला। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के अब आपको लाभ बता देने हैं, कंप्यूटर के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है ना, तो कंप्यूटर का लाभ में पहला ऑप्शन क्या है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है हमें, एक बार और पढ़ते हैं बाकी, क्योंकि ऑल ऑफ द ऑप्शन दे रखा है। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नोट, ना जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का एक प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है सर, कंप्यूटर का प्रिंसिपल है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, भैया अगर कचरा देने वाले होना
तो कचरा ही तो मिलने वाला है तुम्हें। अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा, दोगुनी दूंगा। अगर तुम कुछ हलचल करोगे ना, गड़बड़ करोगे, तो उससे ज्यादा गड़बड़ करना फिर मुझे भी आता है। तो कचरा दोगे तो कचरा ही तो मिलने वाला है। कंप्यूटर भी तो यही कहता है, GIGO प्रिंसिपल पे। तो ऐसा कैसे होगा कि आप कैसे भी इनपुट दे दो आउटपुट आपके पास एक्यूरेट आएगी? नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, ना जी। अभी सर ने बताया था थिंकिंग का काम कंप्यूटर का अभी है ही नहीं कि मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे करूं। नहीं, जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा ही वो सोचने वाला है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। हाँ, पहला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, वेरी फास्ट। हाँ, फास्ट होता है, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले सकते हो। कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हाँ बहुत ज्यादा डेटा जो है ना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये तो बात ठीक है। A collection of unprocessed data item, unprocessed item, मैंने आंसर तो बोल ही दिया, डेटा आइटम्स होते हैं एक्चुअली वो, ठीक है ना। आप लोग जब ऐसे डेटा को इकट्ठा करते हो जो अनप्रोसेस्ड होता है, अनप्रोसेस्ड का मतलब होता ही क्या है, अनप्रोसेस्ड का मतलब होता है इनपुट। और आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट के बराबर बराबर समझ लीजिएगा, इनपुट के बराबर बराबर डेटा होता है आपका, ठीक है, ये पहली बात है। और एक वर्ड है आपके पास में इनफॉरमेशन, ठीक है ना, एक वर्ड है आपके पास में इनफॉरमेशन। इनफॉरमेशन के बराबर बराबर आपका क्या होता है जी? इनफॉरमेशन के बराबर बराबर आपका होता है आउटपुट होता है। ये दोनों बातें तुम्हें समझ लेना है। इनपुट के बराबर डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन के बराबर आउटपुट होता है। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस डेटा, क्योंकि इनपुट दोगे तो अनप्रोसेस तो है ही आपका, ये बी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। Which among the following cycle consists of an input, processing, output and storage and its constituent? तो ये कौन सा साइकिल होता है? ये डेटा साइकिल होता है। डेटा साइकिल में क्या होता है? डेटा साइकिल में मतलब इनपुट से स्टार्ट करते हो आप लोग, उसी डेटा का प्रोसेस करते हो, उसी डेटा का आउटपुट लेते हो, उसी डेटा को आप स्टोर करते हो। यही तो बात हुई ना एक्चुअली आपकी, भाई आप पढ़ने लगे थे तो आप हैं पहले, तो आप ही ने सबसे पहले तैयारी करनी शुरू की, आप ही जॉब लगे, आप ही ने पैसे लाके दिए। तो डेटा कोई इनपुट दिया, डेटा कोई प्रोसेस करवाया, डेटा कोई स्टोर करवाया, दैट्स इसका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना। तो डेटा को हिंदी में कहते हैं कच्चे आंकड़े, ठीक है ना, रो डेटा या कच्चे आंकड़े के नाम से इसे जाना करते हैं। डेटा को हिंदी में कहा करते हैं कच्चे आंकड़े, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए सर, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? 11वां सवाल क्या कहता है हमारा, ये कि ब्लैंक्स इज अ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट इन अ मीनिंगफुल फैशन। ऐसा कौन सा डेटा है जो ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल फॉर्म में आपके आगे दिखाया जाता है? भैया वो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि देखिएगा जाहिर सी बात है इनपुट आपने दिया है, इनपुट को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपको जब आउटपुट में दिख रही है तो वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कर ली ना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर दी ना उसको, तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा डेटा या कौन सा इंफॉर्मेशन है जिस वजह से आपका कंप्यूटर चलता है, जिस वजह से आपका कंप्यूटर जो है ना चलता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? देखो पहला ऑप्शन है जी हार्डवेयर। भाई हार्डवेयर तो ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर कोई डेटा कोई इन्फॉर्म, मेरे हिसाब से इसका आंसर कोई नहीं है, ठीक है ना। देखो पांचवा आंसर इसका सही है, मैं आपको बता देता हूं उसका कारण क्या है, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मतलब मान लेते हैं एग्जांपल से, आपके कंप्यूटर में क्या VLC प्लेयर नहीं है तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं क्या? आपके कंप्यूटर में कैम्टिशा सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या चलेगा नहीं क्या? MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल नहीं है क्या चलेगा नहीं क्या? बिल्कुल चलेगा भैया, कुछ जरूरत है ही नहीं। इनको चाहिए हार्डवेयर, इनको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो एप्लीकेशन आप अपने यूज के लिए डालते हो। तो इसी करके इस सवाल का सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, ना ही तो हार्डवेयर चाहिए, ना CPU, ना आपका सॉफ्टवेयर, ना पेरिफेरल। डेटा इंफॉर्मेशन में, ये तो कोई डेटा इंफॉर्मेशन थोड़ी ना, ये तो सारे के सारे पार्ट्स में आ गए, ठीक है ना। डेटा इंफॉर्मेशन तो ये होती कि पाड़े चाहिए, टेबल चाहिए, या कुछ गाने चाहिए, फाइल चाहिए। तो ऐसी करके इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका? नन ऑफ दीज जो है ना इस सवाल का सही आंसर रहेगा। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पांस टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड, उस सब चीज को आप लोग क्या कहते हैं? देखिएगा आपने क्या है, उस तरीके का नाम बताइएगा, उस स्टेप का नाम बताइएगा जिसमें आप लोग क्लिक करते हो तो आपकी वही चीज खुल जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो अपने आप नीचे कुछ डायलॉग बॉक्स खुलता है, कोई अपने आप डेटा प्रोसेस हो जाता है कहने के बाद, उसको आप इंस्ट्रक्शन कहते हो। कुछ इस बात को यूं समझो, मैंने आपको दिए कि बेटा एक काम करो, ये 100 रुपए लो और मार्केट से जाओ और मेरे लिए पाइनएप्पल का जूस लेके आओ आप, ठीक है ना। एक गिलास पाइनएप्पल का जूस लेके आओ, विच इज माई फेवरेट, ठीक है ना। तो वो आप लेके आइएगा, आपने पहले रुपए लिए, अब आप गए
स्टेप बाय स्टेप आप गए। आप ऐसा तो है नहीं कि मूर्खता करेंगे, कपड़े वाली दुकान पे जाके कह देंगे एक गिलास पाइनएप्पल का जूस दो। आपको इतना माइंड में अच्छे से पता है कि जूस तो जूस वाली दुकान पे ही मिलेगा। ऐसा भी नहीं कहूंगे कि गन्ने वाले जूस की रेडी उस पे जाके कह दोगे कि पाइनएप्पल का दे दे भाई। नहीं, आप जहां पे मौसम्बी पाइनएप्पल का जूस मिलता है उसी रेडी पे जाओगे, वहीं से जाके जूस लोगे, वहां से सीधा सीधा आप आओगे। यही चीजें आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो चीजें याद रखना, ये इंस्ट्रक्शन होती है, निर्देश होते हैं आपके ये कि ये काम ऐसे ऐसे करके करना है आपका। मेरी बात तुम्हें पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बताना दिखा मुझे आप लोग कि सर समझ में तो सही आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अगर समझ में तुम्हें आ रहा है, मेरे समझाने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो तुम लाइक और शेयर करने में दिक्कत बिल्कुल ना रखना, सब्सक्राइब तो करना ही करना भैया, ठीक है ना। और हमारा 5 तारीख से अभियान बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री बैच है आप सभी बच्चों के लिए, चिंता ना करें, आपके लिए नया साल का तोहफा ही समझिएगा। मजा आएगा आपको, पढ़ के थ्योरी वगैरह करवाई जाएगी आपको अच्छे से, फ्री में करवाई जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दिल लगा के शिद्दत से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और फ्री में बैच है तो स्टार आईक्यू यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ऐसा कोई नहीं है कि कहीं से एप्लीकेशन वगैरह पे चार्ज वगैरह करना है। बढ़िया से आपके लिए बैच बना रखा है मैंने, उस बैच में आपको मैंने बताया ना, हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको पढ़ाने वाले हैं, सैटरडे को आपको एमसीक्यू करवाएंगे, संडे को आपका स्टार आईक्यू नाम की एप्लीकेशन है वहां पे जाके फ्री में टेस्ट लेंगे आपका, पूरे हफ्ते का पढ़ाया हुआ टेस्ट लेंगे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए अभी बेटा अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो स्टार्टिंग में आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था भैया, वो अबेकस आया था आपका, दूसरा ऑप्शन है सवाल का, ठीक है। अबेकस कैन परफॉर्म, अबेकस क्या क्या परफॉर्म करता था, एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था, चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा, दोनों ही तो काम करता था। नैपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, नैपियर टेक्नोलॉजी जो है ना वो कैलकुलेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया करती थी, तो इस टेक्नोलॉजी का नाम था आपका रबडोगोलिया, ठीक है ना, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया करती थी। तो चौथे 16 का चौथा ऑप्शन जो है ना ठीक है। पास्केलाइन, पास्केलाइन इज ऑल्सो नॉन एज, पास्केलाइन को आप लोग और किस नाम से पुकारते हो, तो पास्केलाइन को एक और नाम से पुकारते हैं, वो है एडिंग मशीन, जोड़ने वाले की, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, समझ लेना आप लोग। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड जो है ना सबसे पहले किसने बनाए थे, ध्यान देना, बनाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे जैकर्ड लूम द्वारा, बाद में ने यूज किया गया था हरमन हलरिथ के द्वारा, तो सबसे पहले बनाए गए थे, तो ये बात आपको याद रखना है जैकर्ड लूम के द्वारा, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। Which of the following is known as father of computer? कंप्यूटर के पापा किसे कहते हैं भैया, कंप्यूटर के पापा सब बच्चों को पता है कि चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये बात भी अगली पता होगी कि एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये भी बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, पहली जनरेशन के अंदर जो है ना कंप्यूटर के अंदर ये आया था एनालिटिकल इंजन, जिसके अंदर क्या यूज किया गया था, पहली पीढ़ी में रैम तो होती नहीं थी, फ्लॉपी भी नहीं होती थी, कार्ड भी नहीं होते थे, काउंटर व्हील्स होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी, तो करके सवाल का फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ना ठीक हो रहा है आपका। आंसर करते जाओ यार, आंसर करते जाओ, फटाफट आंसर करते जाओ, ऐसे रुक के मत बैठो, सारे सब्जेक्ट करवाएंगे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो, तुमसे पैसे नहीं लिए हैं, तुम्हें बस पढ़ाया जाएगा, दिल लगा के शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़िएगा दिल लगा के, उसके बदले आपको एक ही काम करना है, हमने फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा ऑफलाइन क्लासेस की तरह ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो आप बदले में इतना कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री में अभियान बैच में आइएगा और सीईटी का अभियान बैच है पूरा करिएगा, पढ़िएगा, स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इतना तो कर सकते हो ना आप हमारे लिए, आपको केवल इतना देना है गुरुदक्षिणा में, याद रखना गुरुदक्षिणा कहा करते हैं, देनी बहुत जरूरी होती है, बिना गुरुदक्षिणा के वो पढ़ाई कभी सफल नहीं होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसीलिए करके ये पढ़ाई में पैसे वाला रिवाज है, पैसा भी खैर आजीविका भी गुरुजनों की चलती है उसी से ही, लेकिन आप गुरु दक्षिणा में बदले में पैसा तो ले नहीं रहा हूं, उसके बदले में आप ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं इसको मान जाऊंगा कि हां यही मेरी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल क्या है आपका, टैबुलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस डेवलप्ड बाय, टैबुलेटिंग मशीन जो है ना ये डेवलप की थी किसने, करी थी जी, ये करी थी जी आपकी क्या, हरमन हलरिथ ने, ठीक है ना। अरे भाई ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे 5 तारीख को सुबह 10 बजे मिल जाना आपको, 10 बजे से 3 बजे तक की प्रॉपर क्लास मिलेगी, ठीक है बच्चा।
बाकी हम फिर लाइव आके आपको एक बार शेयर कर देंगे बातें। अभी एक बार के लिए पढ़ लो, आप लोग पढ़ाने वाला मूड चल रहा है अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ जी, हरमन हॉलरिथ है टैबुलेटिंग मशीन बनाने वाले। टैबुलेटिंग मशीन वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अच्छा ये तो हो गया ना 22वां, तो 23वां सवाल पूछा है आपसे, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक। एनिक कंप्यूटर, ये सेम टू सेम सवाल आपके पेपर में पूछा था HSSC ने। बहुत बढ़िया है भैया आपका। हाँ जी प्रीति, काम आएगा आपका बिल्कुल। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक। एनिक बनाने वाले थे भैया कौन, प्रेस्पर एकट एंड जॉन W. मोचले। एज इट इज पेपर में सवाल आया था, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल आपका, ठीक है इसको छोड़िएगा। अगला है, नेम द फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर। पहला जो जर्नल पर्पस कंप्यूटर आया था, जो आम तौर पे जो यूज किया गया था, उस कंप्यूटर को यूनिवेक कहा गया था आपका, ठीक है ना। यूनिवर्सल आपका कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये आपका, और यूनिवेक कंप्यूटर जो था ना, ये फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। द कंप्यूटर साइज वर लार्ज इन विच जनरेशन। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, यह बात आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन जो है ना, कंप्यूटर साइज वर वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी पीढ़ी में छोटा ट्रांजिस्टर आए, तीसरी पीढ़ी में IC और छोटा, चौथी पीढ़ी में जो है ना भैया आ गए आपके माइक्रो प्रोसेसर, तो और छोटा हो गया आपका डिवाइस, ठीक है ना। तो ये बात भी आपकी यहां से हो गई है, समझ गए हैं आप लोग, ठीक है ना। हाँ मेरे लाल, PGT TGT हर एक बच्चा पढ़ सकता है, उसमें पूरा सिलेबस मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के बता रखा है कि क्या हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, चेक कर लेना उसको। टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा Star IQ पे, और यूट्यूब पे भी लिंक मिल जाएगा बच्चा उसका, ठीक है। सबसे मेरी प्रार्थना है कि Star IQ एजुकेशन पर आने वाली एड्स को स्किप ना करें आचार्य पालक देवी भाई, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन सर आपसे कुछ बात करनी है भैया, कर लेना आकाश जी, आपको रोका किसने है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना बच्चा आकाश, ठीक है। मुझे कॉल कर लेना आकाश, ठीक है, या मुझे एक बार मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ताकि मुझे ध्यान रहेगा, तो मैं खुद ही बैक कॉल कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात करनी है तो। हाँ बच्चा आकाश, कोई बात नहीं, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना एक बार, मुझे याद रहेगा, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं खुद कॉल कर लूँगा, ठीक है। प्रमोद जी, ये चीज़ फ्री में करवा दी जाए तो कैसा लगेगा, कंप्यूटर की थ्योरी भी। चलो बेटा अगला सवाल क्या है, बातों में ना लगाओ यार, पढ़ लो यार, हाँ अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ा के मजा आ रहा है यार। मेरे पास थोड़ा ही टाइम है, देखो 10-15 मिनट का टाइम है, 9 बजे से पहले पहले मैं क्लास को ऑफ करूंगा, उसके पहले देख लेना फिर, तो तुम बातें करोगे या चैप्टर पूरा करोगे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे आपके, ठीक है ना, ये समझ लेना है आपको। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, कंप्यूटर जो है ना बनाए गए थे पहली पीढ़ी से, जो पहले मतलब थे ना कंप्यूटर, वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब कुछ मैकेनिकल का भी पार्ट था और कुछ इलेक्ट्रॉनिक का भी था आपका, तो ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए जी अगला सवाल क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ना वो कौन सी भाषा का यूज किया करते थे। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर भैया मशीनी भाषा का प्रयोग किया करते थे। सर कई दिनों में देखते हो व्हाट्सअप, तो एक बात बताओ यार, सारा दिन मैं व्हाट्सअप पे चैटा चैटी करता रहूं, चटियाता रहूं, तो मैं मास्टर थोड़ी ना बन पाऊंगा। मैं मास्टर हूं मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, या तुम्हें मेरा पढ़ाना अच्छा तभी लग रहा है जब मैं बैकएंड में मेहनत करता हूं। अगर मैं ये मेहनत करना बंद कर दूं ना, ये मैं भी तुम्हारा मतलब ऐसे ही औरों की तरह, खैर तुम तो पढ़ते होंगे, मैं तुम पे क्यों एलिगेशन लगाऊं, लेकिन बहुत लोग हैं जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सारा सारा टाइम लगे रहते हैं। अगर मैं भी ऐसे पूरा पूरा दिन खराब करूं ना, किताबों में मत्था ना मारूं, तो मैं भी मास्टर नहीं रहूंगा फिर, ना ही तो तुम मुझसे पढ़ना पसंद करोगे, ना ही मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें पसंद आएगा। तो मैं जितना तुम्हें पढ़ाता हूं एक घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए लाइव आता हूं, तो बेटा इसके पीछे बैकएंड में 3-4 घंटे की मेहनत करता हूं मैं। PPT बनाना, क्वेश्चन प्रिपेयर करना, देखना कौन सा किस पेपर में आ रहा है, देख रहे हो ये पेपर में SBI में IBPS में पेपरों में पूछे गए सवाल उठाना, उसके रिगार्डिंग डेटा तैयार करना, तो मेहनत करता हूं तभी सुनील सर हूं। सुनील सर को सुनील सर बने रहने के लिए पीछे बैकएंड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसी करके मैं सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज करता हूं, पर जितना भी पॉसिबल हो पाता है उतना ही मैं आपसे आपकी बात जवाब देने की कोशिश करता हूं। उतना भी कोई मैं भगवान महान बनने की कोशिश नहीं करता कि मैं कभी जवाब ही नहीं दूंगा, डाउन टू अर्थ हूं, कभी भी मुझसे मिलिएगा, आइएगा, बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा इस बात में। लेकिन इस बात को शायद आपने पॉजिटिव वे में समझा है, तो आप मेरा साथ जरूर देंगे इस बात में, है ना।
चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? मशीन आपका है और आपको हाँ कोई भी व्हाट्सएप वगैरह करना है तो कोई इश्यू नहीं है, 9468173029 पे आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बात आ गई आपकी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बोले तो सर 0101 की भाषा जो होती है ना, उसी को ही आप लोगों को जो है ना वो क्या रहेगी, मशीन लैंग्वेज को ही नाम देने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। अब बात अगली आती है क्या, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना उसकी स्पीड कैसी होती थी। तो पहली पीढ़ी की स्पीड तो आपकी माइक्रो सेकेंड्स में आई थी, आज की स्पीड तो भैया पीको सेकंड, फेमटो सेकंड, हेक्टो सेकंड से भी ऊपर चली गई है। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का जो आपका कंप्यूटर है ना उसकी जनरेशन क्या रहेगा, उसका जनरेशन का टाइम है 1956 से 1963 के बीच में जो है ना आपकी सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड है, ये याद रखिएगा आप लोग। हालांकि इसमें क्लोज ऑप्शन बहुत दे रखे हैं, ये बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है कि टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन, टाइम शेयरिंग जो है ना वो कहां से पॉसिबल होना स्टार्ट हुई है। तो टाइम शेयरिंग पॉसिबल होना स्टार्ट हुई है दूसरी पीढ़ी से, मतलब ये काम हो रहा है, ये दूसरा पैरेलल ये काम भी हो जाए, पैरेलल ये काम भी हो जाए, साथ के साथ ऐसे दो चार टास्क आप अगर कर रहे हो तो इसी को ही आप लोग क्या कहोगे, सेकेंड जनरेशन का नाम देने वाले हो। बी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। इंटीग्रेटेड चिप्स ऑन आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पूछा है कि आईसी इनमें से कौन सी पीढ़ी में यूज होना स्टार्ट हुई थी। तो आईसी भैया थर्ड जनरेशन में यूज होना स्टार्ट हुई थी। आईसी बनी होती है सिलिकॉन की और आईसी को बनाने वाले जो है ना उनका नाम है जैक किल्बी, याद रखिएगा जैक किल्बी बनाने वाले हैं। 1959 में जो है ना आईसी का आविष्कार हो गया था, यह पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है जो कि अति महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। अगला सवाल है कि चिप इन अ कॉमन निकनेम, चिप का एक कॉमन निकनेम होता है वो क्या होता है आपका। चिप को आप लोग निकनेम के रूप में पुकारते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से पुकारते हो, इसको आप लोग आईसी कहा करते हो, ये बात आप लोगों को यहां से याद कर लीजिएगा। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हो, और आईसी के कई सारे प्रकार हैं एक्चुअली आपके, मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्टिंग में देखो तीसरी जनरेशन में जो आईसी आई थी उसको आपने कहा था, उसको आपने कहा था एलएसआई के नाम से पुकारा। सबसे पहले तो आपकी आई थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एसएसआई, ठीक है। उसके बाद में आई थी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में आपकी क्या आई है, उसके बाद में आपकी आई है एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आई है वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आई है आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आई है GAINT जॉइंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो है तीसरी जनरेशन की, ये दोनों है चौथी जनरेशन की, और ये दोनों है पांचवी जनरेशन की। बहुत बढ़िया बात मैंने तुम्हें बताई है, ये बात तुमने बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉइंट स्केल इंटीग्रेशन आईसी भी होती है। तो प्लीज प्लीज आप लोग जो ना इस चीज को जो है ना अच्छे से समझ ले, अगर लिए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है, आईसी इसका नाम है। पेड कोर्स लेना है तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कंप्लीट 47 वीडियो का एक कंप्यूटर का पेड कोर्स पड़ा है, आप ले सकते हो, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भाई अभी बताया सर ने इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते हैं। पूछा आईसी बनी किसकी होती है, आईसी बनी होती है भैया सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है ना, सिलिकॉन की बनी होती है। अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल चिप, उसको क्या कहोगे, उसको भी आप आईसी कहोगे। पूछा है कि एक ऐसी चिप है, छोटी सी चिप है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर आपने डाल रखे हैं, चिप तो छोटी सी है लेकिन लाखों ट्रांजिस्टर उसके अंदर डाल लिया होता है आपका, तो यही इसका आंसर रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। बुक के अंदर जनरेशन का टाइम अलग अलग है, जो एनसीईआरटी डेटा पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें फिलहाल, तो वही डेटा पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी है। ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इस चैप्टर के अंदर टोटल 74 सवाल है इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू के, तो वही चीजें मैं फिलहाल तुम्हें करवा रहा हूं बच्चा, ठीक है ना। तो नियर अबाउट सही रहे, पेपर में आए हुए सवाल है ये ऑलरेडी, तो कोई ज्यादा शंका वाली बात है नहीं। PCR considered fourth generation and contain, तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है ना वो क्या कंटेन करता है, ये सेम सवाल है तो SBI PO में आया है, ये CGL में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है जी माइक्रोप्रोसेसर, ये माइक्रोप्रोसेसर और कुछ भी नहीं है, ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और क्या है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब LSI और VLSI ही होता है ये और कुछ अलग नहीं होता है आपका, यानी कि फोर्थ इसका ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, माइक्रोप्रोसेसर चौथी पीढ़ी जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, याद रखिएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तुमसे पूछा एआई जो है ना वो किसका एग्जाम्पल है, एआई बेटा पांचवी जनरेशन का एग्जाम्पल है, फिफ्थ जनरेशन का। एआई की खोज किसने की थी जी, एआई की खोज की थी जॉन मकार्थी ने, ठीक है ना, जॉन मकार्थी जो थे ना उन्होंने एआई की खोज की थी, एआई की खोज की थी जॉन मकार्थी ने खोज की थी। फिफ्थ जनरेशन में एआई आई है, इसको कृत्रिम बुद्धिमता के नाम से आप लोग जाना करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, देखो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था ना बच्चा, उसका तो नाम था परम, ठीक है ना, परम 8000 था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना कौन से साल में था, 1991 में बनाया था सी डेक ने, ठीक है ना, सी डेक पुणे ने बनाया था। सी डेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर। और भारत का पहला कंप्यूटर जो है ना वो सिद्धार्थ था आपका, याद रखिएगा, वर्किंग कंडीशन में लगभग 1995 तक आ चुका था ये आपका। भारत का पहला कंप्यूटर जो ऑफिशियली था वो आपका सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। कंप्यूटर आर बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय, बहुत बार एग्जाम में पूछा कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर जो है ना आपका, वो सही आंसर क्या रहेगा आपका, ठीक है जी, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है डियर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर बेसिक जो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, डेवलप किसने किया था, तो ये डेवलप किया था किसने सर, जॉन वॉन न्यूमन ने जो है ना ये डेवलप किया था आपका। इसका सही आंसर रहेगा पहले वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन जो है ना इन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर कंप्लीट डिजाइन किया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, सर ने अभी अभी तुम्हें समझाया है, एक मिनट पहले ही समझाया है, दिल से समझाया है, क्या समझाया है जी आपको, ठीक है, समझाया ये है सर ने कि आईसी जो है ना, आईसी को डेवलप करने वाले, आईसी को डेवलप करने वाले हैं जैक किल्बी। कब डेवलप किया सर जैक किल्बी ने, इन्होंने किया है सर 1959 में। आईसी को बनाया किससे, सिलिकॉन से। कितने नंबर पे आती है सर जी, ये आती है 14 नंबर पे चिप आती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये वाला सवाल। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो आपका आज के टाइम पे जो कंप्यूटर चल रहे हैं ना उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है ना आपकी, वो कैसे होती है, पैरेलल होती है या सिक्वेंशियल होती है, दोनों, बिल्कुल दोनों तरीके से। पैरेलल का मतलब जो एक साथ सारी चली जाए, सिक्वेंशियली मतलब जो बारी बारी लाइन वाइज होकी जाए, दोनों तरीके से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, सी वाला ऑप्शन सही है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। 44 नंबर सवाल आपका जो है ना वो क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर थ्री बेसिक कैटेगरी है, उसके अंदर कौन कौन सी आती है वो बेसिक कैटेगरी, एक तो भैया होगा सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का मतलब आपका सीपीयू हो गया समझ लीजिएगा एक प्रकार से, एक आपका होगा इनपुट या आउटपुट, हाँ ये तो बात सही है, आपके पास कीबोर्ड और मॉनिटर तो चाहिए चाहिए, ये तो बात सही है, समझ में आ रही है। और मेमोरी, मेमोरी तो होगी ही होगी, मेमोरी का मतलब बोला क्या होता है, मेमोरी का मतलब आपका यहां पे रैम और रोम होता है सर, मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क नहीं होता क्या, ना मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क नहीं होता, वो स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क होता है आपका, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो इस सवाल का आपका आंसर बी है ना वो ठीक रहेगा, चिंता ना करें बच्चे, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे दो चार ऐसे होते हैं जो सीखे सिखाए कहीं कहीं से आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि एक बार नजर भी नहीं लगती है ना, ठीक है ना, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है, चलने दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म पीसी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पीसी को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, मतलब पीसी की सही परिभाषा दे रहा है। पीसी का मतलब होता ही पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब देखिएगा, पहली बात, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज द पर्सनल प्रोडक्टिविटी, ये स्टेटमेंट इसकी है, ठीक, क्या है सर समझाइएगा। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली यूज, बहुत बड़े एरिया के लिए सबको, हर कोई यूज कर रहा है, हर किसी के पास आज कंप्यूटर है, ऑलमोस्ट 10 में से 8-9 घरों में कंप्यूटर देखने को मिलेगा आपको। अच्छा सर,
इंडिविजुअल वर्कर मतलब हर एक आदमी के पास, हर एक आदमी अलग अलग कंप्यूटर यूज करता ही है, विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मेरे लिए कंप्यूटर का काम है, अगर मेरे पास कंप्यूटर ना होता तो मैं आपको लाइव टीच नहीं कर पाता। आपके पास में कंप्यूटर ना होता मतलब मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है तो आप शायद लाइव क्लास ना देख पाते। तो हम सबकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी जो है ना हम सबकी आगे जा रही है। तो इस करके इसका सही ऑप्शन जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ठीक है, अगला सवाल क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। एक बार के लिए जिसको आप लोग यूज कर रहे हो तो उसको आप लोग क्या नाम से पुकारने वाले हो, तो इसको भी आप लोग पुकारोगे पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप लोग पीसी के नाम से पुकारोगे। बाइनरी स्ट्रिंग है सर ये वाली, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना। अरे भैया वैसे तो बाइनरी नंबर का टॉपिक है पूरा देख सकते हो, पर चलो आपने पूछा है तो मैं लिख देता हूँ। यार ये दिख रहा है क्या मुझे, 1 1 0 1 2 3 4 वन है और उसके बाद में 2 2 4 ही एक है शायद, 0 है, 1 2 3 4 जीरो है, 1 है, एम आई राइट, यही है ना, 1 1 0 1 1 0 4 टाइम 1 है, 4 फिर है, 4 ही 0 है क्या, होपफुली यही होगा, बाकी देख लेना अगर आगे पीछे हो जाए तो भाई तुम तरीका समझ लेना। है बाइनरी है, बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना होता है, तो आप एक काम करिएगा इस वाली साइड से मतलब अपने राइट हैंड साइड से चार चार के पेयर बनाने स्टार्ट कर देना। बेटा क्या नाम है आपने, जितेंद्र ने पूछा, जितेंद्र चार चार के पेयर, 1 2 3 4 ये 4 का पेयर हो गया एक, ठीक है ना, उसके बाद 1 2 3 4 ये एक 4 का पेयर हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 का पेयर हो गया। ये तो लकीली आपने ऐसा पूछा है कि ये सारे ही बराबर बराबर पेयर हैं, बिल्कुल सही सही पेयर है ये, ठीक है ना। अगर ये पेयर कंप्लीट ना होता तो 4 का पेयर फिर भी करना है, मान लेते हैं यहां पे अकेला 1 बचता था, अकेला 0 बच जाता, कुछ नहीं भी है, तो आप एक्स्ट्रा 0 0 ऐड करके 4 का पेयर बना देना। ध्यान देना, 1 ऐड मत करना, 0 ऐड करके बनाना आप लोग, ठीक है ना। ठीक है सर जी, ये तो हो गया, अभी ये तो आपने लकीली यही पूछा तो इसका आंसर दे देता हूं आपको। करना क्या है, इसके ऊपर 4 के जोड़े के लिए इसके ऊपर लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, ठीक है ना, इधर से 1 2 4 8 डबल डबल करना है। ऐसे इसके ऊपर भी लिख दो आप लोग, 1 लिख दो, 2 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4 4 का दुगुना 8 हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा अलार्म बज गया, क्लास का टाइम हो रहा है भैया। उसके बाद में क्या हो गया, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 4 4 का डबल क्या हो गया जी, यहां 4 आएगा, 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे करके लिखना आपको, मैंने जगह बड़ी गलत पकड़ी है ये, ठीक है ना, वहां दिख तो रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर दिख रहा होगा आपको। अब क्या करना है कि जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो, 0 है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। इसके नीचे सब ये तो सारे इनको छोड़ना है, तो 1 है या अकेला ही है, ये 1 का बाइनरी नंबर है। जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो, 0 है उसको छोड़ दो, 8 4 12 13 14 और ये तो 0 हो गया, 14 को आप लोग ई कहा करते हो, याद रखिए बाइनरी नंबर में ई। इसको ज्यादा डिटेल से समझना हो तो आप मेरा बाइनरी नंबर का पूरा चैप्टर देख लेना, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ढंग से समझा रखा है, अभी तो मैं आपको केवल डाउट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इसका क्या है, 0 के नीचे 0 उसको छोड़ना है, तो 8 4 12 और 1 13 को क्या बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं यहां पे, ठीक है ना, 13 को डी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बेटा DE1, ठीक है ना, DE1 इज द राइट आंसर, ठीक है, चेक कर लेना जिसने भी पूछा, जितेंद्र ने पूछा है। चलो जी अगला सवाल मैं पढ़ाता हूं आपको, मेरी क्लास का टाइम होता जा रहा है भैया, चलो फटाफट बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है जी आपका, अब पीसी इन अ टाइप ऑफ, पीसी जो है ना वो किस प्रकार का टाइप होता है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार होता है, जो हम तुम यूज करते हो वही माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रेवल आर नॉन एज। एक ऐसा कंप्यूटर बताओ जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओ तो मजे में ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही है, वो लैपटॉप होता है, याद रखिएगा आपका, ठीक है ना, लैपटॉप होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ कोई टेंशन वाली बात आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगला सवाल क्या है सर, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नॉन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ना आपके, उनको आप लोग क्या कहा करते हो, उनको आप माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हो, जो तुम्हारे डेस्कटॉप, हाँ माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हो उनको आप लोग, ठीक है ना, जो हमारे तुम्हारे लिए यूज होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हो। माइक्रो कंप्यूटर को या आप जर्नल पर्पज कंप्यूटर को जो है ना आपको कहने वाले हो, यह भी बात को याद करना है आपको, ठीक है बच्चा। उसके बाद में बेटा वो पेड बैच में है, आप लोग तो उसको नहीं लगा सकोगे, ठीक है ना, फ्री क्लास नहीं है वो, टेस्ट बुक पे मेरी पेड बैच में क्लास होगी, अन अकेडमी पे है, सॉरी टेस्ट बुक में नहीं है अभी, तो पेड बैच में तो आप नहीं लगा पाओगे उसको, ठीक है।
चलो तो अभी अगला आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना आपका, वो कौन सा है, उसको आप पीडीए कहा करते हो। पीडीए बोले तो सर, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सबसे पहले इसे एप्पल ने बनाया था। ये बनाया था, इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था न्यूटन, याद रखिएगा। एप्पल ने जो अपना पीडीए बनाया था उसका नाम रखा था न्यूटन रखा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एप्पल कंपनी ने न्यूटन पीडीए, पीडीए क्या होता है सर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे ब्लैकबेरी के फोन आते थे बस वही वही होता था आपका, ये याद रखिएगा। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप जो हथेली में रख के चला सकते हो उसे आप पाम टॉप कंप्यूटर कहते हो, मतलब टैबलेट पीसी होते हैं, जो हाथ में रख लो, बस सीधी सी बात आती है ना। अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसेस वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। अभी पूछा बहुत सारा डेटा तो इकट्ठा कर ले, कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ ले, ऐसा क्या है, ऐसा होता है सर्वर। इसी को ही आप सर्वर के नाम से पुकारा करते हो, सर्वर का काम ही तो यही होता है आपका। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। भाषा में हिंदी में ही करवा रहा हूं, मेरे हिसाब से इंग्लिश में तो करवा ही नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है कि विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडिट डिजाइन। आपसे पूछा कैड, ठीक है ना, कैड का इस्तेमाल जो है ना वो कहां, मतलब कैड में किसका इस्तेमाल होता है, तो कैड में इस्तेमाल होता है डियर आपके बड़े बड़े कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है कैड के लिए, तो जनरली जैसे मिनी कंप्यूटर का, गाड़ी वगैरह के जो आपके डिजाइन वगैरह करने हैं तो थोड़े ज्यादा बड़े या मल्टी प्रोसेसर वाले कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल जनरली उसके अंदर जो है ना वो किया जाता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, जो बहुत महंगा है इनमें, तो बहुत महंगा जो आ सकता है इनके अंदर वो मेन फ्रेम आएगा, क्योंकि मेन फ्रेम के बाद में सुपर कंप्यूटर आता है, सबसे सस्ता एम्बेडेड है, उसके बाद में दो नंबर पे आता है एम्बेडेड के बाद में आपका आता है कौन सा, माइक्रो, माइक्रो के बाद में मिनी, मिनी के बाद में मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद में सुपर। तो मेन फ्रेम महंगा है क्योंकि साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा है आपका ये। द यूजर जर्नली अप्लाइज, एक यूजर जो है ना जर्नली अप्लाई करता है, और वो किसके पास अप्लाई करता है, नोड के पास में। भाई देखो क्या है, हम लोग नोड से कनेक्टेड होते हैं सिग्नल लेने के लिए, किसी जैसे कोई नेटवर्क वगैरह कनेक्टेड करते हैं तो नोड ही हमारा है कनेक्शन वाला। दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। वो बहुत ही स्पेशल बनाए जाते हैं तो सुपर कंप्यूटर ही होंगे, और बहुत तेजी से कैलकुलेशन करते हैं, स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आज दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बेटा आपका, फुकागू, ठीक है ना, फुकागू आज दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये भी पॉइंट जो आपको याद कर लेना है बच्चा। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि अ ब्लैंक्स, और इसका पीडीएफ फाइल भी वहीं पे दे दूंगा मैं क्लास के बाद में, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अ ब्लैंक्स इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। एक लार्ज है और ऐसा एक्सपेंसिव, महंगा भी बहुत है आपका, और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ही स्पेशली ये कंप्यूटर बनाया जाता है, तो वो आपका है सुपर कंप्यूटर। भाई लार्ज तो है ही है, इतना बड़ा है कि जापान में कोबा नाम की जगह पे आज दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर सेटअप किया गया है, इसका भी आपको यहां से याद करना है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मेरा पूरा बैच है कंप्यूटर का, ले सकते हो आप। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा लगाया हुआ है कहां पे जी, फुकागू, जिसका नाम है, जून 2020 में बना था जी, और जापान ने इसे बनाया था, अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, अभी सर ने तुम्हें बताया था ये कौन सा बना था, ये बना था परम बना था, इसका नाम था जी परम 8000, सुपर कंप्यूटर का नाम था, बना 1991 में था, सी डेक ने इसे बनाया था। सी डेक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है, और इसे बनाया कौन सी सी डेक ने था, पुणे ने। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था एक्चुअली आपका करे, करे बना था 1960 में, हालांकि चाइना ने बनाया था इससे पहले, इन्होंने एक और बनाया था CYBER साइबर 6600, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो यही पहला था, अगर ये ना हो तो यही मिलेगा, 99% यही मिलने की थोड़ी सी संभावना भी है। प्रत्युष, प्रत्युष जो है ना वो भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चौथे नंबर पे आया था आपका। प्रत्युष जो है ना वो कहां यूज होता है तुमसे पूछा, तो वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। आज भारत में ये 6.8 पेटाफ्लॉप्स में काम कर रहा है, याद रखिएगा। देखो यही है अगला सवाल कि पेटाफ्लॉप्स में काम करने वाला था प्रत्युष, और प्रत्युष कंप्यूटर जो है ना आपका ये एक तो लगा है नोएडा में, एक लगा है पुणे में। नोएडा वाला जो है ना आपका वो 2.8 पेटाफ्लॉप पे काम करता है, और जो पुणे वाला है वो आपका 4 पेटाफ्लॉप्स
टॉप्स में काम करता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है किसमें, FLOPS, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है सर? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यह भी बात आपको याद रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यह फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। टोटल चार पेटाफ्लॉप्स वाला कौन सा है आपका? प्रत्युष है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर जो ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पल्स पे जो है ना काम करता है, इस तरीके से जो आपकी पल्स चलती रहती है उसी पे ही काम करता है आपका, ये याद रखिएगा। जैसे आप लोगों को जो है ना इस तरीके से ऐसे 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 जो है ना वो काम करता है आपका। मेरे कोर्स का इंक्वायरी नंबर है आपको मोहित सर का, मैं नंबर दे देता हूँ, रुकिएगा आप लोग, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो उनका नाम है मोहित सर, मोहित सर का नंबर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 70652 और 80881। सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद भाई सबका आपका। अगला सवाल क्या जी? सिस्मोग्राफ के बारे में तुमसे पूछा, सिस्मोग्राफ एन एग्जाम्पल ऑफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक आपका मीटर है जो एनालॉग मीटर होता है, या इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भूकंप की तीव्रता मापना। सबको पता है भूकंप को मेजर करने वाला सिस्मोग्राफ होता है, तो इसका सही आंसर होगा एनालॉग मीटर, जिसके अंदर ऐसे वेव दिखाई जाती है भूकंप वाली। दिस कंप्यूटर वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट पे काम करने वाला कंप्यूटर भैया डिजिटली होगा, 0101 पे काम करेगा, वही तो होगा और तो क्या होगा। इनमें से अलग कंप्यूटर की पहचान करनी है जो बहुत ही अलग है आपका, ठीक है ना। तो ये कौन सा है सर? माइक्रो नहीं है, माइक्रो मिनी सुपर सारे सेम है, नोट भी सेम है। डिजिटल कंप्यूटर अलग है जो 01 पे काम करता है, बाकी सारे एक ही जैसे काम करते हैं आपके, ये माइक्रो मिनी सुपर नोटबुक सारे जैसे काम करते हैं, डिजिटल थोड़ा सा इनमें अलग होता है, याद रखना। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन ऑफ वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टी। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसके अंदर आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दो तो हाइब्रिड बन जाएगा भैया आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन मोटर चलती है आपकी गुड़गुड़ गुड़ करके, ठीक है ना, और के साथ में मीटर भी चल रहा होता है, हाँ आपके पैसे वैसे दिखाए जाते हैं ना वहां पे, इतने रुपए का तेल डलवाया। हाइब्रिड कंप्यूटर, आईसीयू की मशीन, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की मशीन, ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर है आपका, ठीक है ना, समझ रहे हो। एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर है। एटीएम के अंदर जो आवाज आती है क्या वो पैसे निकलने की होती है क्या? अरे नहीं, वो तो स्पीकर होता है, जानबूझ के लगाया जाता है। अभी आपने निकाले तो यार 100 रुपए हैं, खैर निकलते नहीं अब, लेकिन मान लेते हैं निकालना है 1 रुपए, तो इतने के लिए इतनी कैलकुलेशन कर यार, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग अकाउंट फेचिंग में टाइम लगता है, इतना टाइम लग जाए कोई मशीन में आवाज ना आ जाए, आदमी का दिमाग खराब हो जाए, पैसे की सेंसिटिव चीज है यार, मेरे पैसे खा गया तो मशीन को तोड़ फोड़ दो, वहां पे हंगामा कर दो, इसलिए कुछ गुड़गुड़ की स्पीकर की आवाज आती रहती है, तो आपको लगता है हाँ मेरे पैसे गिन रहा है, गिन रहा है, गिनेगा क्या, हराम कर 100 का तो नोट तूने निकाला सारा का सारा, ठीक है ना। तो वो खैर स्पीकर की आवाज होती है, उसके अंदर थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होता है एटीएम मशीन में। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड द हॉस्पिटल ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो दिल को पढ़ती है, डायलिसिस, इन सब में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आईसीयू की सारी मशीनें हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए, याद रखना। जर्नल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं? जर्नल पर्पज कंप्यूटर स्मॉल डेटाबेस बनाने के लिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग, हाँ सारे काम कर देता है जर्नल पर्पज, जो तुम्हारे घर में होता है वही। हाँ, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट है ये, तो मल्टीमीडिया भी है ये, नहीं है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद में भाई, उसके बाद में थोड़ा छोटा मंगता है करना, इतना बड़ा तो हमें दिखेगा नहीं भाई, थोड़ा सा चैप्टर हो रहा है, 5 सवाल और रहते हैं आपके, हो जा भैया छोटा, ऐसे मटक मत यार, मटक मत, लटक पटक मटक, ठीक है, अरे छोटा हो जा कंप्यूटर बाबा, लास्ट में आके हैंग हो रहे हो, हमारी क्लास का कक्षा का समय जाता जा रहा है। हम तो सोचते सर जी गिन रहे थे ना बेटा, गिनने को कौन सा, एक नोट निकालोगे इसमें क्या तो गिने होंगे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट, अरे ये तो पढ़ा दिया थे मास्टर जी आपने, कौन सा अच्छा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, छोटा है बहुत तेज है, दिमाग के जैसे काम करता है, वो कौन सा होता है जी? क्वांटम कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज, इनमें कौन कौन सा कंप्यूटर, अच्छा कौन कौन से में कंप्यूटर यूज होता है? बैंक में होता है, ऑफिस में भी होता है, एजुकेशन में, हर किसी जगह होता है, कोई टेंशन नहीं। कंप्यूटर कहां ऐसी जगह जहां नहीं होता?
इन इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन टू. इसको क्या कहो? अच्छा, जैसा इंसान काम करता है वैसी वैसी मशीन काम करने लग जाए, उसको क्या कहोगे? उसको एआई कहते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर ने बताया जॉन मकार्थी ने जो है ना इसकी खोज करी है. और ये किस पे डिपेंड होता है? रोबोट या रोबोटिक्स टेक्निक पे जो है ना ये डिपेंड होता है आपका, याद करिएगा बेटा, ठीक है. चलिए जी, अगला सवाल आप लोगों के समझ में आने के लिए कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया है. एक नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पूरा हो गया है, ठीक है ना. स्टार आई क्यू मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, ठीक है ना. स्टार आई क्यू मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहां पे ज्वाइन हो सकते हो, या आप मुझे 94681, ठीक है ना, 94681730 यहां पे मैसेज, नेम और लोकेशन की मैसेज कर सकते हो. यहां पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना. और आप लोग जो है ना मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए. मिलेंगे कल आपसे कुछ नई चीजों के साथ में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अनअकैडमी पे अगर कोई भी बच्चा कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आज रात 12 बजे तक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. स्टार आईक्यू अगर कोड का इस्तेमाल करोगे तो 22% का डिस्काउंट मिलेगा. जी हां, एज यूजुअल 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आज रात के 12 बजे तक, न्यू ईयर ऑफर था ये, 1, 2, 3 दिनों के लिए. आज 3 तारीख का लास्ट तारीख है. रात को 12 बजे तक अगर कोड का यूज करोगे स्टार आईक्यू तो 22% आपको ऑफर मिलेगा, सीधा 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है. तो कोई बच्चा अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाहता है, बड़े सस्ते सस्ते प्राइस में है, एक एक साल दो दो साल के, आप लोग स्टार आईक्यू कोड बिना स्पेस दिए यूज कर लेना. ज्यादा जानकारी के लिए आप पूछ भी सकते हो. धन्यवाद. मुस्कुराते रहना. क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना.